नमस्कार, मैं एक तो आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स में। आप सभी को गंगा स्नान देव दीपावली की हार्दिक शुभकामना। इसी के तहत आपको बता दें, इस समय हम लोग मौजूद हैं लेटे हुए हनुमान मंदिर यानी कि गोमती के तट के पास मौजूद हैं, जहां पर आज लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दीप दान कर रहे हैं। इसी के साथ आज आपको बता दें, हिंदू महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू महासभा त्रिडंडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस समय श्री त्रिवेदी जी हमारे साथ में हैं, और उनसे जानते हैं किस तरह से आज का कार्यक्रम रहा और किस तरह से वो क्या कहना चाहते हैं। और इस समय कार्यक्रम के बारे में हम बता दें, आप इस देख रहे हैं किस तरह से पूरे गोमती के तट को सजाया गया है, और यहाँ पर अपने श्रद्धा के अनुसार लोग यहाँ पर आते हैं। और आज से गंगा स्नान शुरू हो चुका है, तो इसलिए आज अपने हिंदू धर्म में कि एक दिए को दान करते हैं। गोमती को बहुत खूबसूरती से आप देखोगे, इसकी खूबसूरती निखर के आ रही, एक एक दिया आप देख दूर दूर तक वो दिखाई दे रहा है। और इस समय हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं जिनसे हम धीरे धीरे बात करें, उनसे जानेंगे उनका क्या कहना है। तो आपको बता दें, हिंदू महासभा त्रिडंडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री त्रिवेदी हमारे साथ हैं। सर, आपको दे दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जहां बात करते सनातन के हिंदू धर्म की तीज त्यौहार की, हर एक फेस्टिवल आप बड़े धूमधाम से मनाते हो, समय कितना भी आपका बिजी हो निकाल के आप लोगों के साथ यहाँ मौजूद हैं। आज क्या कहना चाहेंगे? आज विशेष देव दीपावली पर गंगा स्नान स्टार्ट हो गया है, आज आप आए हैं एक दिए का दान गोमती का, ये सारा सब कुछ समझाइए हमें विस्तार से। ऐसा है कि आज देव दीपावली है, आज तुलसी जी का भी पूजन होता है, इसके आज गंगा स्नान भी है। बहुत मुख्य त्यौहार है हिंदुओं का। आज बताते हैं कि जो आज गंगा स्नान करता है देव दीपावली के दिन, उसको सभी स्नानों का पुण्य का भागीदार होता है। तो आज देव दीपावली, हम लोग आए हैं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से, हमारे गुरुकुल के बच्चे आए हैं, हिंदू महासभा के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण आए हैं, और वो सब आज देव दीपावली के तहत दीपदान किया है गोमती में। तो ये हमारा एक सनातनिक परंपरा है जिसको हम लोग निभा रहे हैं, और मेरा लक्ष्य ही है कि सनातनियों को जागरूक करना, हिंदुओं को जागरूक करना अपने त्यौहार के प्रति, अपने धर्म के प्रति, कैसे हम निष्ठावान बने, कैसे हम अपने त्यौहार मनाएं, उसी उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए गोमती तट। बच्चों को लेके आए, बच्चों को इसके बारे में आपने जानकारी दी है, इसका महत्व बताया। बिल्कुल बताया है, क्योंकि बच्चे हमारे सब गुरुकुल में पढ़ते हैं, और उनको हर त्यौहार के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में, अपने जो हमारा धर्म है उसके विषय में रोज़ जानकारी दी जाती है। आज वो त्यौहार में इसीलिए सम्मिलित किया है कि आप देखिए कि हम लोग कैसे त्यौहार मनाते हैं। हम लोग दीप ज्वलित करके, प्रज्वलित करके, और आज जो है गोमती तट पर जो है हम लोगों ने उसको प्रवाहित किया है। तो ये एक अपने आप में ही अनूठा है, संदेश जा रहा है कि हम लोग इतनी तादाद में यहाँ एकत्रित हैं, आप देख रहे होंगे, तो ये देव दीपावली का महत्व है, इसी के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। आज जहाँ पर मैं कहूँगी बुजुर्ग दिखते थे तीज त्यौहार में से, लेकिन आज आप देखते हो कि यंगस्टर्स भी बड़े उत्साह के साथ आते हैं, संस्कृति के साथ वो जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों का साथ है कि उनको पता चल रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है। तो सर, कैसे देखते हो जो अभी यंगस्टर्स को आप देखते हो यहाँ पर तट पे आके दिया जलाना? बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि गुरुकुल के इतने बच्चे आए हुए हैं, जब ये हमारी नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, इनके अंदर जब हमारा धार्मिक, जो हमारा जो है वो उत्थान होगा, और जो धार्मिक विषय की जानकारियाँ होंगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हमारे लिए है, जैसे अब प्रत्येक मंगलवार को हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ आयोजित किया, कोई भी नगर हो, कोई भी ग्राम हो, हर ग्राम में छोटा बड़ा जो भी मंदिर है, वहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे शुक्रवार को सभी मुस्लिम जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं, रविवार को सभी ईसाई जो है वो चर्च में जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक मंगलवार को सभी सनातनी प्रेमी जो भी है हनुमान मंदिर पे, शिव मंदिर पे, किसी भी मंदिर पे जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे एक नई क्रांति आए, और जो कि हर लोगों को ये लगे कि नहीं, अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं। एक जैसे आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर मस्जिदें होती हैं, शुक्रवार को देखिए गोल टोपियों की लाइन लग जाती है, गाड़ी लग जाती है, जाम लग जाती है, जब निकलते हैं तो दूर से दिखता है कि हाँ, लोग एक विशेष संप्रदाय के लोग जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार मंगलवार को हर सनातनी मंदिर जा करके ही अपने जो है गंतव्य को जाए, अपने ड्यूटी पे जाए, अपने व्यवसाय पे जाए, लेकिन सुबह उठना है तो आज मंगलवार, आज मुझे मंदिर जाना है। महिलाओं को भी निकाला है सर घर से, और मुझे महिलाओं को भी निकाला है। मैं सर से एक मिनट, मैम बिल्कुल, मैं क्योंकि जो निकाल के लाया, मैं सर अपने महिलाओं को, यानी कि जो अपने परिवार में थी उनको भी आपने निकाल के हनुमान चालीसा सनातन के लिए जोड़ा है, कैसा फील होता, कितना बड़ा कठिनाई? नहीं, महिलाएं तो आगे बढ़ चढ़ करके हमारे धार्मिक अनुष्ठान में शुरू से ही भाग लेती आई। आप कहीं देख लीजिए, भगवत कथा में देखिए, आप कहीं भी चले जाइए, महिलाओं की संख्या तो वैसे भी ज़्यादा रहती है, और ये तो बहुत अच्छी बात, गर्व की बात है कि महिलाएँ भी आगे आ
आ रहे हैं, बच्चे भी आगे आ रहे हैं, युवा पीढ़ी भी हमारे धर्म को लेकर के आगे बढ़ रही है, ये मेरे लिए गर्व की बात है। जो बच्चे आपको देख रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आज के लिए, उनको क्या किस तरह से? मैं सभी सनातन प्रेमियों को, प्यारे बच्चों को, माताओं बहनों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अपने धर्म की रक्षा करिए, सनातन की रक्षा करिए और प्रत्येक मंगलवार को मंदिर अवश्य जाइए। जय हिंदू राष्ट्र। कहना चाहेंगे, देव दीपावली आज एक दिया जलाया गया है और कहीं ना कहीं आज बहुत से लोग आज के महत्वपूर्ण दिन पर आए हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे आज के विशेष दिन पर, अपनी क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, आज का दिन जो है ये देवताओं के द्वारा मनाया हुआ दीपावली का दिन है। हम लोगों की जो दिवाली होती है वो कार्तिक शुक्ल पक्ष अमावस्या के, कृष्ण पक्ष अमावस्या को होती है, और जब भगवान विष्णु एकादशी को शयन से उठते हैं तो फिर देवता लोग हर्षोल्लास के साथ में देव दीपावली मनाते हैं, जिसको हम लोग नदियों के किनारे जो है दीपक जला करके देवताओं के साथ में जो है हम दीपावली सनातनी हम मनाते हैं, और इससे जो है देश में सुख समृद्धि आए। मैं ऐसा पूरे देश के लोगों के लिए कामना करता हूं कि वो सुख समृद्धि से संपन्न रहें और अगली देव दीपावली जब आए तो उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ये थे हमारे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, उनके आए हुए लोगों से बात की, और ये जाना कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे हिंदू समाज में हर एक फेस्टिवल कुछ ना कुछ कथा, कुछ ना कुछ लोक कथाएं, कुछ ना कुछ कहता है। तो इसके तहत मैं एक नज़ारा दिखाना चाहूँ, देखिए किस तरह से लोग नाव में बैठ कर जा रहे हैं और एक दिया जलाने के लिए। तो जैसे हमने बताया कि आज देव दीपावली है, कुछ भक्तगण भी आए हैं जिन्होंने दिया जलाया है। मैम क्या कहना चाहेंगी आज के देव दीपावली? हम लोग दीपक जलाते हैं, तुलसी विवाह करते हैं, और वैसे भी हम लोग हिंदू हैं तो हर मंगलवार, जैसे उन्होंने बताया, हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड होना चाहिए, वो हम लोग अपने अपार्टमेंट में एक मंदिर है उसमें करते हैं। और महिला कहीं ना कहीं ऋषि से कुछ महिलाओं जो सीखा बात की वो भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण था, और कुछ बच्चे उनसे भी जानेंगे कि बहुत बच्चे जो आए हैं, क्या कहना चाहोगे आप आज जो आए हो, क्या कहना है आज हम क्यों यहाँ मौजूद हैं? जी, आज देव दीपावली है इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। आज के दिन देवों ने दीपावली मनाई थी इसलिए हम लोग यहाँ पे भी आए हैं, यही हम लोग भी मनाते हैं। मेरा नाम अंकुर शुक्ला है। आज यहाँ पर सभी लोग ऋषि जी के साथ आप लोग आए हुए देव दीपावली सेलिब्रेट करो, क्या कहना चाहिए? इसके बारे में मतलब सनातन से जुड़ी हुई ये दीपावली है इसलिए कि जो मतलब भगवान विष्णु हैं, जो मतलब सृष्टि के पालनहार हैं, वो 4 महीने बाद अपनी निद्रा से उठते हैं, तो उन्हीं के उठने के अवसर पर मतलब ये देवताओं की प्रसन्नता के लिए ये मनाई जाती है दीपावली। हाँ, जात पात के करो विदाई।